ये जो बाहर से अवैध घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं और जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, गलती अपने समाज की है जो इनको दुकान और मकान देने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे केवल एक निवेदन करने आया हूँ, मैं बिलासपुर से कल रात को चला था, सुबह यहाँ पहुँचा हूँ, केवल इतना निवेदन करने आया हूँ, आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं बिलासपुर से यहाँ आया हूँ, और इतना निवेदन करने आया हूँ कि अपने समाज के साथ ही आचार और व्यवहार रखिए। अगर हम सामान खरीदेंगे तो हिंदू से खरीदेंगे, व्यवहार करेंगे तो हिंदू से करेंगे। लेकिन आज नेरवा की इस धरती पर खड़े होकर के आपसे आह्वान करने आया हूँ कि इस आरटीडी अभियान को पूरे शिमला में चलाने का काम कीजिए। अब बहुत से बंधु कहेंगे कि भाई साहब आरटीडी क्या है, तो मैंने कहा भाई आर से रोको, रोको कैसे रोकेंगे, अगर कोई आपके गांव में आ रहा तो उसको रोकिए कि भैया कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कहां से आए हो। उसके बाद उसको टोको कि भैया यहां आना मना है, बिना अनुमति के आप मेरी पंचायत में मेरे गांव में नहीं आ सकते। और तीसरा टी है उसको मैं नहीं बोलूंगा, रोको टोको। वो आप सब समझदार है कि रोको, रोकने और टोकने का काम हो जाए, अगर फिर भी कोई ना माने तो उसके साथ क्या करना है।